Dear students, today we are going to discuss a very important law called Ohm's law in electricity. So, Ohm's law. The scientist Ohm gave us this law which relates potential difference and current. इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. हम रिकैप कर दें, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. फिर हमने बताया था व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो दो अलग अलग पॉइंट पर जो पोटेंशियल होती है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है, एक ज़्यादा एक कम होगा. तो दोनों को अगर माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमने देखा था कि अगर दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, यहाँ का पोटेंशियल वी वी है, और वी ए की वैल्यू वी वी से ज़्यादा है. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वी ए इज एट हायर पोटेंशियल देन वी बी. इसका मतलब क्या हुआ, वी ए जो है ये हायर पोटेंशियल है, वी बी लोअर पोटेंशियल है. तो उस हालात में हमने आपको बताया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम रख दें दोनों के बीच में, पॉजिटिव माइंड इट पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर हम रखते हैं तो ये किधर जाएगा. तो आई हैव टोल्ड यू कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हायर से लोअर की ओर जाता है, और अगर निगेटिव रहता तो लोअर से हायर की ओर आता. तो ये हायर कौन है, वी ए. अगर वी ए हायर है तो ये चार्ज इधर की ओर मूव करेगा और हम कहेंगे कि करंट सेटअप हो गया. तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को मूव करना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, तो उसके लिए हम एक वायर का सहारा ले सकते हैं. सपोज हमने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया. अब अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर है, इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये किधर मूव करेगा, इस दिशा में मूव करेगा, और हम कहेंगे इसमें करंट सेट हो गई. इसमें क्या हो गई, करंट सेट हो गई. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, कि पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण चार्ज पार्टिकल मूव करने लगता है. निगेटिव है तो लोअर से हायर की ओर, ये लो पोटेंशियल है. और भी ये ज्यादा है, यहां लिखेंगे हाई पोटेंशियल है. तो अगर पॉजिटिव है तो हाई से लो की ओर मूव करेगा, अगर निगेटिव है दैट इज इलेक्ट्रॉन तो वो लो टू हाई मूव करेगा. तो ये जो करंट है, एक्चुअली करंट भी दो कैटेगरी का होता है. एक करंट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा कहते हैं कॉन्वेंशनल करंट, कॉन्वेंशनल करंट. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, थोड़ा सा समझना है आपको ये आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है. वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, अनदर इज कॉन्वेंशनल करंट. बहुत सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगी ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है दैट इज निगेटिव चार्ज तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करे, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ प्रोटॉन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियर फोर्स में बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से बना होता है. सो वी विल से फ्लो ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. तो फ्लो ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज इधर होगा उसे हम कहेंगे कन्वेंशनल करेंट, और
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिधर होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करेंट। यहाँ पे हम अगर पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि ए से बी कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है। और इसी करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजली जितने भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें हम कन्वेंशनल करंट ही शो करते हैं। आप कोई भी सर्किट डायग्राम देखोगे बुक्स में तो आप देखोगे कि जो एरो दिया रहता है और करंट आई लिखा रहता है, एक्चुअली दिस इज कन्वेंशनल करंट, मतलब ये डायरेक्शन किसका है, पॉजिटिव चार्ज का है। और एक्चुअली अगर पॉजिटिव इधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक, तो माइनस किधर मूव करेगा, ठीक उल्टा मूव करेगा, क्योंकि माइनस जो है लो से हाई की ओर मूव करता है। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट आर जस्ट अपोजिट। तो पहली बात जो आप समझना है आपको कि जो करंट होती है वो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को कहते हैं, जो हमेशा हाई से लो की ओर मूव करता है। तो ये तो हो गई करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। और ये करंट तब तक मूव करेगा, चार्ज जब तक मूव करता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। दिस इज वन थिंग। नाउ वी कम टू द ओम्स लॉ। आखिर इस ये हमने क्यों एक्सप्लेन किया आपको। व्हाइल डिस्क्राइबिंग ओम्स लॉ आई एक्सप्लेन दिस फैक्ट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ओम ने कहा कि ये जो करंट है आई और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी वी, चूँकि ए वी ए ज़्यादा है वी वी से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखते हैं, इजिकल टू वी ए, चूँकि वी ए ज़्यादा है तो वी ए में से वी वी घटा देते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, दैट इज वी। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे निकाला, तो हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को माइनस कर दिया, सपोज ये घटा करके माइनस करके वी आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आया मेरा, करंट कितना है आई। ओम ने कहा कि ये जो भी और आई है आपस में एक रिलेशन है, उसका क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो ओम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स, एंड या टर्मिनल कहेंगे आप, ये वायर ले लिया हमने, ये एक कंडक्टर लिया, एक वायर लिया, वायर के दो एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स कि प्रोपोर्शनल का मतलब, डायरेक्टली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट घटेगा। तो सिंपली हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। और ये ओम्स लॉ जो भी आई का जो रिलेशन है ये तब होता है जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेम्परेचर को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बदलता है तो ये रिलेशन हो सकता है कि सही नहीं उतरे। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो टेम्परेचर को वैरी नहीं करना है, रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, और तब आप देखोगे कि किसी कंडक्टर के दो छोर पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट घटेगा। सो दिस इज सिंपली वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग बिटवीन द टू चार्जेस। सो दिस इज सिंपल द लॉ, ओम्स लॉ। ओके, सो अब हम लोग इसको सिंपली डिफिनेशन के रूप में, इक्वेशन के रूप में लिख सकते, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो वी राइट हियर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends या terminal लिखेंगे ends across the ends of the conductor. तो एक wire लिया, यहाँ का potential VA है, यहाँ का potential VB है, और VA जो है यहाँ पे VA हम मान के चलते हैं VA is greater than VB. सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है ये इधर मूव करेगा, सो करंट विल बी दिस साइड. सो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू वी. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. और एक बात और, ये तो ओम्स लॉ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है लास्ट में, आप यहाँ लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो ये रूल नहीं काम करेगा. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करेंट थ्रू फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. और पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी ए माइनस वी वी है, डेट इज वी है, तो वी और आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. साइन ऑफ प्रोपोर्शन जब हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट रखते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाएंगे तो इस कॉन्स्टेंट रखेंगे. तो अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटा करके एक कॉन्स्टेंट रख दिया जाए, कॉन्स्टेंट का सिंबल हम कैपिटल आर लिखेंगे यहाँ पे, तो हेयर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी मतलब इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा करके कांस्टेंट रखा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. और इसे ही कॉमन लैंग्वेज में रेजिस्टेंस कहते हैं. यही आर जो है कॉमन लैंग्वेज में हम इसे एक स्पेशल नाम दिया है कि ये क्या है, आर इज कॉमनली नोन एज रेजिस्टेंस, commonly known as resistance. So हमारा जो ये final relation बना, V is equal to R into I, where V is the potential difference, R is the resistance, actually this is proportionality constant, and I is the current. So this is called Ohm's law. ये ओम्स लॉ जो है ये एक लॉ को आप ग्राफ के रूप में भी समझ सकते हैं. अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करें तो वी और आई का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट को प्रोजेक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्राफ ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल इस तरह से, उसके बाद सपोज ये हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये हम वाई एक्सिस मान लेते हैं. ये ओरिजिन हुआ. हम मान के चलते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस पे हम करंट आई लेते हैं और ये वाई एक्सिस जो है वाई एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलिंग कर सकते हैं हम लोग.
तो ये स्केलिंग कर दिया हमने, फॉर एग्जांपल हमने स्केलिंग किया इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर भी स्केलिंग कर दिया, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऑनवर्ड, ये वोल्ट में है। इसका यूनिट हम लोग लिख देते हैं एम्पियर, एम्पियर, और इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इसको हमने एम्पियर में लिखा, इसे करंट एम्पियर में। तो आप देखोगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ओम ने कहा कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप देखोगे, अगर एक रियल में आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपका जो फिगर आएगा, आपका जो फिगर आएगा वो इस प्रकार का आएगा। यहाँ लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ लिख देते हैं करंट। आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 है तो ये हो सकता है कि 2 एम्पियर हो। ये यहाँ हमने लिखा है वोल्ट और यहाँ लिखा हमने एम्पियर, ओके। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो तो करंट 2 एम्पियर है, अगर ये 20 वोल्ट हो तो ये 4 एम्पियर है, अगर ये 30 वोल्ट हो तो ये 6 एम्पियर है, अगर ये 40 वोल्ट हो तो ये 8 एम्पियर है। तो ये तो मैंने एट रैंडम ये फिगर दिया, रियल में भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसा ही कुछ फिगर आएगा, और फिगर इस प्रकार आएगा जब आप इसे एक ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखो एक्स एक्सिस पर 2, यहाँ पर हमने 2 रखा, और वाई एक्सिस पर 10 रखा, यहाँ 10 रख दिया, तो मेरा ये डॉट बन गया। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 4 रखा, वाई एक्सिस पर 20 रखा, मतलब ये डॉट बन गया। एक्स एक्सिस पर 6 रखा, वाई एक्सिस पर 30 रखा, तो ये यहाँ बन गया। एक्स एक्सिस पर 8 रखा और करंट जो है 8 है और पोटेंशियल डिफरेंस 40 है, तो इधर 8 आ जाएंगे और इधर 40 आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा। अब आप देखोगे अगर आप एक स्केल से इन सारे डॉट्स को मिलाओगे तो आपको देखोगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो अगर दो टर्म लिया जाए, हमने लिया करंट और इधर लिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस से करंट की जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। आई विल राइट हेयर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी होता है जब ये दोनों प्रोपोर्शनल होता है। लिखेंगे सिंस वी आई ग्राफ, वी आई मतलब पोटेंशियल, वी और आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, चूंकि वी और आई का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हुआ, सो इट प्रूव्स दैट वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ग्राफ के मेथड से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ग्राफ, अगर ओम्स लॉ लिखने को आता है तो आप ओम्स लॉ लिखेंगे ही, साथ में ये टेबल बना देंगे और ये ग्राफ ड्रॉ करके यू विल शो दैट द लाइन, तो वी आई ग्राफ का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, थैंक यू।